Hi, this is Abhijit Samant and you are watching MNS News. नमस्कार, मैं बिना MNS News आई मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला ने किशोरी को 500 रुपए का लालच देकर उड़ाया घर, फिर करवाया गैंगरेप। देवभूमि की महिलाओं के काम के पीएम कर चुके हैं तारीफ। गुलाब की खेती कर पेश कर रही नहीं चलेगा बुआ बबुआ का गठबंधन, कोई नहीं रोक पाएगा मोदी। देखते हैं खबरें विस्तार। देहरादून नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपी समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एक महिला ने नाबालिग लड़की को 500 रुपए का लालच देकर अपने घर बुलाया था, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। वही पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी समेत एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह घटना बीते 14 जनवरी की शाम 4 बजे की है। चमोली जोशी मठ में महिलाएं फूलों की खेती कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, साथ ही पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने का भी काम कर रही है। जोशी मठ के मेयर बसारी गांव में काफी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण गुलाब की खेती कर गांव में ही एक साल में लाखों कमा रहे हैं। बता दें कि बीते साल 21 जून 2018 को योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को जोशीमठ की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया गुलाब का तेल भेंट किया था। ऊना केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सपा बसपा गठबंधन की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि कोई भी मोदी के तूफान को नहीं रोक पाएगा। यूपी में महागठबंधन नहीं वो छोटे गठबंधन बने हैं। सिन्हा ने कहा कि 2014 में एनडीए ने यूपी में 73 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी 74 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। खबरों में आज के लिए खबर देखने के लिए आज डाउनलोड करना।